मना बहुत परेशान लग रही है मुझे कि मना तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम एक पार्क में बैठे हैं, घर के पास ही है छोटा सा। अभी एक पॉपकॉर्न वाला है इधर हमारे पास, तो मन्ना को मैंने दिए 50 रुपीज़। मन्ना शो मी। तो अब देखना है कि मन्ना ने इससे 3 पैक्स लेने। अब पॉपकॉर्न 1 फॉर मन्ना 1 फॉर हेज़ल 1 फॉर मी। सो हम देखते हैं कि मन्ना ये चैलेंज कबूल करती है। मन्ना ने तो ये चैलेंज कबूल कर लिया है, अब देखते हैं कि ये खरीद सकती है कि नहीं, देखते हैं। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ पॉपकॉर्न वाला है किधर। अब वो देखें, वो खड़ा है, मैं इसको जूम करता हूँ। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मन्ना ये खड़ी है, ये मन्ना खड़ी है, ये इधर खड़ी। अब देखते हैं कि मन्ना उधर जा के लेती है या वेट करती है यहाँ पे वो आए तो वो उससे ले। मन्ना बहुत परेशान लग रही है मुझे कि मन्ना तो नॉट बीट। मुझे लग रहा है कि मन्ना ने डिसीजन कर लिया है कि वहाँ जाए और वहाँ से ले आए। अब देखते हैं, एजल भी वेट कर रही है। ओ एजल, मन्ना ने एटलीस्ट डिसाइड कर लिया है कि वो जाएगी। वो पॉपकॉर्न वाला आगे आगे आ रहा है, वो देखें जी। मेरे ख्याल में मन्ना यहाँ खड़ी हो जाएगी यहाँ पे और उससे बाय करेगी। अब देखते हैं मन्ना अभी क्या डिसाइड करती है, लेट्स सी गाइस। वो फिर उतर गया है। मेरे ख्याल में मन्ना को अब जाना चाहिए। सो फाइनली मन्ना आ गई है और परचेज कर रही है पॉपकॉर्न। लेट्स सी, लेट्स वॉच। मन्ना कितने पैक लेने? 3 बना दें। मन्ना वो कह रहे हैं 2 मिलेंगे, एक एक में बहुत थोड़े डाल देना, ये लेगी। अच्छा अच्छा, मन्ना वाले में ज्यादा डाल दे। जी ये मैं हूँ, ये एजल है और ये मन्हा है और हमारी पार्टी हो रही है। मन्ना को साहब का थैंक यू। मन्ना आपने हमारे लिए पॉपकॉर्न बाय किए, हमने 50 रुपीज के 3 लिए। यही अगर हम मरी में चले जाएं या कहीं और तो वहाँ पे 150 का भी नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है। मन्ना आपका फुटबॉल वो चला गया।